दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज की जमात में शामिल हुए लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद पर मुकदमा दर्ज किया है। इसी मरकज की जमात के लोगों से कई राज्यों में कोरोना का खतरा और बढ़ गया है। इसको लेकर शेर राजस्थानी मुफ्ती शेर मोहम्मद ने कहा है कि तबलीगी जमात के लोगों से उनका कोई ताल्लुकात नहीं है, न ही तबलीगी जमात के लोगों से मुस्लिमों का कोई मतलब है, क्योंकि ये लोग कानून और संविधान को नहीं मानते हैं। कोरोना वायरस को लेकर जमात के लोगों ने गलती की है। शेर मोहम्मद ने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से और तमाम गैर मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त करूंगा कि जो माहौल हमारा इस वक्त हमारे सूबे का, मुल्क का चल रहा है और पूरी दुनिया का, वो इंतहाई तकलीफ देह है। इन हालात में हमारे तमाम खुसूसी तौर पर मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके आप अपने घरों में रहें। इस बीमारी का इलाज सिर्फ ये है कि आप अकेले रहें, दूर रहें, अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहें। बाहर बैठना, बाहर घूमना मेहरबानी फरमा करके छोड़ दें। और प्रशासन जो इस वक्त कोशिश करता है कि इस बीमारी पे कंट्रोल किया जाए, या मेडिकल तबका ज़बरदस्त कोशिश करता है, तो हमारे भाइयों का फ़र्ज़ है, मेहरबानी करके प्रशासन का भी आप मदद करें, उनका भी एहतराम करें, और मेडिकल डिपार्टमेंट जो कोशिश करता है उनका भी आप एहतराम करें और उनकी भी आप इज़्ज़त करें और भरपूर उनको ताबुन करें, जो पूछें उन सवालों का जवाब।